सर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुजफ्फरनगर से सामने आ रही बड़ी खबर के साथ। खड़ी फसलों में यहां पर भीषण आग लग गई। हाई टेंशन लाइन टूटने की वजह से खेत में आग लगी। आग में गेहूं और गन्ने की फसल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। किसानों ने अब इस पूरे घटना के बाद मुआवजे की मांग की है। थाना चरथावल क्षेत्र के गांव अमीगढ़ की ये बड़ी घटना, जहां पर गेहूं और गन्ने की फसल में आग लग जाने से गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मायूस किसानों ने अब इस पूरी घटना के बाद मुआवजे की मांग की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़ी तादाद में। जैसी खबर गांव वालों को लगी, सभी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने की कवायद में जुट गए। टेंशन लाइट टूटने से खेत में आग लग गई और लाखों के किसानों को नुकसान हो गया। कई एकड़ फसल में लगी गेहूं की और गन्ने की फसल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। मुजफ्फरनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, वो अपने आप में चिंता का विषय है। ऐसे में किसानों की साल भर की मेहनत चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई। ताजा तस्वीरें मुजफ्फरनगर से। हाई टेंशन लाइन टूट जाने की वजह से खेत में आग लग गई और देखते ही देखते कई एकड़ गेहूं और गन्ने की फसल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। अब किसानों ने मुआवजे की मांग की है। खड़ी फसलों में भीषण आग लगने को लेकर यह बड़ा मामला मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे, तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए धू धू कर जलती है फसल, किसानों की तमाम अरमानों को जलाती हुई साल भर की मेहनत चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई। वजह बताई जा रही है कि हाई टेंशन लाइन टूटने की वजह से यह बड़ा फैसला हुआ। बता दें बड़ी घटना हुई, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और कई एकड़ गेहूं और गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। हाई टेंशन लाइन टूटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। किसानों ने मुआवजे की मांग की है।